ओहेन वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा पोकेमोन वर्ल्ड के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि अभी मैं आ चुका हूँ डे टू में। मतलब अब तक तुमने जो दो वीडियोस देखे वो डे वन के थे एंड बाकी तो मैंने और भी काट दिए, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग डे वन में ही मैंने इतना ज़्यादा कर लिया था, अब क्या बताऊँ। लेकिन जो भी हो, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए वो कट कर दिया है, जो फालतू के वीडियोज़ थे मैंने पूरे डिलीट कर दिए। एंड अभी डे टू में हमको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करना है। एंड डे वन में क्या क्या हुआ है मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ। ये इवेंट में आ चुका है तो तुम लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। देखो, डे वन में हमारा जो टोटल सीपी था वो हमने इंक्रीज़ किया था 47K तक, ठीक है। हाँ, मुझे पता है बहुत ही कम है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था। एंड मैं सुबह ड्यूटी से आके, मतलब ड्यूटी से आते आते ही मेरा 4 बज जाता है एंड फिर थोड़ा रेडी शेडी होने में यूनिक 4:30 वगैरह बज जाते हैं। एंड उसके बाद मैं जिम में भी अपना रैंकिंग ठीक नहीं कर पाया था। कल 19वें रैंक पे, अभी देखो 30वें रैंक पे आ चुका हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड ये हमारा फर्स्ट SP शार्ड हमें मिल चुका है। एंड लीग की अगर बात किया जाए तो एक मिनट में तुमको लीग भी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक नहीं भेजा है भाई, तुम लोग भेज सकते हो। ये पोके फैन जो है ये अपने चैनल का ही बंदा है। एंड अगर तुम वीडियो को देख रहे हो तो भाई, अगर तुम लोगों को लीग में ज्वाइन होना है तो तुम बता सकते हो। वैसे तो लीग अभी फुल हो चुका है। यहाँ पर मैं पहले कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ। देखो, अभी जस्ट डे टू शुरू हुआ है एंड बंदों ने कितना ही खतरनाक डोनेशन दे दिया है, ठीक है। एंड अगर मैं तुम्हें मेंबर दिखाऊँ, इन्फॉर्मेशन में जाके देखो, नंबर ऑफ़ पीपल 30 में से 30 बंदे भरे पड़े हैं। एंड हम बहुत ही जल्द ही लेवल 2 में जाने वाले हैं। इसमें कुछ चाइनीज़ बंदे भी हैं एंड कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिसको मैं नहीं पहचानता, तो आई थिंक मैं उनको निकाल दूंगा अगर तुम लोग आना चाहते हो तो, अगर तुम लोग मेरे सर्वर में हो तो। एंड अगर तुमने अभी तक मेरे सर्वर में ज्वाइन नहीं किया तो जाओ ट्राई करके देखो, अभी भी ज्वाइन हो सकते हो क्या। एंड अगर नहीं हो पाते तो भाई 673 में ज्वाइन कर लो, उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सर्वर वगैरह मर्ज हो जाता है तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा रहता है अगर तुम आजू बाजू के सर्वर में रहोगे, या फिर अगर मैं ट्रेडिंग हॉल में कुछ ट्रेडिंग के लिए लगाऊंगा तो वो तुम्हारे सर्वर में भी दिख जाएगा अगर तुम 672 में रहोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ऑप्शन नहीं आ रहा है 672 में ज्वाइन करने का, तो 673 में आ सकते हो तुम। कम से कम ट्रेडिंग हॉल तो एक्सेस कर ही पाओगे। अब मुझे सबसे पहले करना ये है कि भाई मुझे ख़रीदना है ढेर सारे कॉइन, ठीक है। मेरे पास कॉइन की बहुत कमी हो गई थी अभी डे वन में, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉइन ख़रीद लिया है। एंड मुझे कुछ एनर्जी भी चाहिए जो कि मैंने ले लिया है। और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, डे वन का मेरा बस एक ही बाकी है, ठीक है। एंड इधर का थोड़ा बहुत बाकी है। डे टू में मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ एंड गेम प्ले में जाने के बाद देखो तुम लोग, यहाँ पर मेरा बहुत सारी जो चीज़ें वो कल ही कंप्लीट हो चुका था, तो अभी मैं ये सब पहले पूरा कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे सीपी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एंड बाय द वे, मैंने अभी जस्ट एक वीडियो डाला है जो कि मेगा गार्चॉम के ऊपर है। अगर तुमको नहीं पता तो भाई जाके देख लो। मैंने मेगा गार्चॉम्प ले लिया है एंड कैसे लिया है वो पूरा जो डिटेल है वो तुमको मिल जाएगा अभी के वीडियो में जो मैंने डाला है episode 2 का, उसमें है, ठीक है। तो तुम लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पर 1 tap strength पे क्लिक करूँगा एंड ओके, बहुत पावरफुल हो चुका है। ओके, एक और बार कर दूँ, ऑब्वियसली कर ही सकता हूँ, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉइन भी लग चुके हैं। TM मेरा 26 लेवल पे हो चुका है। और मुझे क्या करना है, ये इसका तो मैंने जहाँ तक स्टार्टअप हो सकता था मैंने स्टार्टअप कर दिया है, बाकी इसका बच यही बचा है, तो भाई इसको भी level 5 पे कर देते। और कितना लगेगा भाई, और कितना लगेगा, नहीं यार मटेरियल ख़त्म। एंड ये है मेरा टीम फिलहाल के लिए। डियाल्गा मैंने कस्टम से लिया था क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन टाइप पोकेमोन समन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने वहाँ से डियाल्गा ले लिया है। एंड एक और चीज़ तुमको दिखाना है जो कि है यहाँ पर, नहीं यार ये समन में जाकर दिखाता हूँ, दो चीज़ दिखाना है एक्चुअली। पहली बात तो ये कि मेरे पास 79 पोके कॉइन फिर से हो चुके हैं, कल मैंने 50 उड़ा दिए थे एंड अभी मेरे पास 79 फिर से हो चुके हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये कस्टम में अगर मैं जाऊँगा तो देखो यहाँ पर बोल रहा है अनलॉक ऑन 4th of 5, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। बाय द वे ये मेरे पास अभी ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको भी करना है। एंड ये क्या है भाई, सेकेंड समन करना पड़ेगा, नहीं 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 वैसा तो कुछ नहीं है,
04 of 05, ये मेरे को समझ में नहीं आया। आई थिंक ये एडवांस का है, तो एडवांस डेंजन शायद कंप्लीट करना पड़ सकता है उसके लिए, ठीक है। तो अभी तो ये हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में फिर कभी एक्सेस कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं स्पिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखो अभी अगर स्पिन करूँगा ना तो फिर से हो सकता है गार चौंप या फिर कुछ एरा गैरा कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा इसको रायक्वाजा को, क्योंकि मैं ड्रैगन टाइप टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रैगन टाइप टीम में मुझे रायक्वाजा लेना ही पड़ेगा। रायक्वाजा एक बहुत ही अच्छा पोकेमोन है, जिसको भी नहीं पता भाई। एक मिनट में ड्रैगन टीम में जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं रायक्वाजा पे क्लिक करता हूँ, तो तुम यहाँ पर इसका देख ही सकते हो। ड्रैगन एनर्जी जब ये हुक्म यूज़ करता है तो 100% चांस है कि 3 लेयर ड्रैगन एनर्जी हर एक बंदे के ऊपर जो भी यूनिट में है सबके ऊपर लग जाएगा अपोनेंट के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मूव है, एंड ये मेगा गार्चोम के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अब इसको लेने वाला हूँ, नेक्स्ट समय में मैं इसको ही लेने वाला हूँ, जिसमें अभी भी 3 दिन बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे। एंड अभी फ़िलहाल मैं जो करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ मैं, वेट, मैं क्या करने वाला था, ठीक है। 48K CP है हमारा, ओके दैट्स नाइस। अभी अपने पास पोके बॉल कितने वो भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिल गए, 8 अल्ट्रा बॉल है, अब 72 मेगा पोके बॉल, ओके। तो अभी हम कर सकते हैं कुछ कैचिंग, क्योंकि मुझे कुछ कैच करना है, ठीक है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा पोकेमॉन कैच करना है ड्रैगन टाइप का, जिसका यूज़ करके मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो भाई थोड़ा पावर अप करूँगा। एंड मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ इस चीज़ को। SSR पोकेमॉन तो यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा, ओके ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है भाई, मुझे बस नॉर्मल, हाँ गैवाइटी चाहिए था, मुझे गैवाइटी चाहिए था, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल, अरे SSR भी है क्या, SSR भी है, ओके गाइस। तो बहुत सारे मैंने ये गैवाइट पकड़ा है, एंड मुझे केयरफुल 3 तो नहीं मिला, लेकिन अभी के लिए केयरफुल 2 मिल गया है नेचर। एंड मैं इसको अभी इवॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो गार्चोम्ब है नॉर्मल वाला, उसको मुझे एक नेचर देना था अच्छा वाला। एंड केयरफुल नेचर एक बहुत ही अच्छा नेचर है, क्योंकि इसके वजह से तुम्हें शील्ड मिल जाता है, एंड शील्ड भाई बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले रिप्लेस करता हूँ जो कि मैंने अभी इवॉल्व किया है उसके साथ। एंड फिर मुझे यहाँ पर हास्टी नेचर के बदले में देना है केयरफुल नेचर। हास्टी नेचर उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने केयरफुल दिया है। एंड देख सकते हो ग्लूमी है, ग्लूमी के बदले में मुझे देना है, ओके। तो ग्लूमी के बदले में हास्टी टोटल डैमेज, ओके ये वाला अभी के लिए फिलहाल दे देते थे। वैसे तो मेरे पास क्वाइट नेचर 3 भी है, तो मैं क्वाइट नेचर 3 भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं एक स्टार अप कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा CP इंक्रीज करने के लिए। एंड यहाँ पर अगर मैं टैलेंट में जाऊँगा, सबसे पहले तो देखो एक जो है अपना गैवाइट, उसका टैलेंट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसको टैलेंट देना पड़ेगा। एंड भाई ओके गैवाइट मेरे सारे के सारे गैवाइट्स खा रहे हैं भाई, यहाँ पर हो चुका है, इसका टैलेंट कंप्लीट है। एंड मुझे भी देना है बस इसको टैलेंट, जिसमें यहाँ पर मैं जाके पहले तो ब्रेक कर लेता हूँ भाई, ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी इसको जल्दी से जल्दी टैलेंट दे देंगे। वैसे हाँ मुझे पता है ये जो गैवाइट्स है मेरे पास, इसके अंदर अच्छे नेचर वाले गैवाइट्स भी है, लेकिन जिसका यूज़ मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है, वो बाद में मैं कभी कर लूँगा फ़िलहाल। अरे यार ख़त्म हो गए फिर से मटेरियल, लेकिन कोई बात नहीं, 50K तो आई थिंक हो जाना चाहिए अभी तक, ओके 50K हो चुका है हमारा CP। एंड ये सारे के ये तो भाई डे 2 का है, ठीक है, तो डे 2 का अभी कोई काम का नहीं है, पहले मैं डे 1 का मतलब डे 3 का है वो, तो मैंने जो कलेक्ट करना था मैंने कर लिया है। एंड मुझे अभी जाना है जिम में, क्योंकि भाई जिम में अभी तक मैंने बैटल किया नहीं है आज का। एंड जिम में भाई रैंक मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो मेरा CP इतना लो है, मैं CP अप कर नहीं पाता काम के वजह से, तो भाई मैं नहीं चाहता कि रैंक वगैरह भी कुछ ऐसा ही हो जाए। एंड तुम लोग अभी देखोगे एक बढ़िया सा शानदार बैटल 42 के साथ कर लेते हैं, इसके पास तो इसके पास भी अच्छे खासे है भाई, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ जो लेना है वो है ये वाला पोकेमॉन, इसका मैंने अभी तक लेवल अप नहीं किया, आई नो इसको भी मैं अभी लेवल अप कर लूँगा थोड़ा, क्योंकि इसका मूव सेट जो है अभी तक लो लेवल के है। एंड सबसे पहले किसको ख़त्म करें,
ओके इसको ही ख़त्म करते हैं। ठीक है ठीक है, आई थिंक हो तो जाना चाहिए। देखिए इसके पास से शायद नेचर दिया हुआ था इसको, ठीक है शायद मे भी हो सकता है। भाई 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 ख़त्म ख़त्म ख़त्म, उसका शील्ड टूट गया एंड वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने मेगा गार्चम को ख़त्म कर ही दिया है एटलीस्ट, ठीक है एटलीस्ट। एंड यहाँ पर हम इसको लेंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ इसको ले लूँ कि जितने ज़्यादा यूनाइट मूव उतना अच्छा। और मुझे पता है जो अपना ये है ना डियाल का, ये ज़्यादा कुछ सुखार नहीं पाएगा भाई, लो लेवल का है आई नो, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन इतना भी लो नहीं है यार, इतना भी लो नहीं है, इतना भी लो ले नहीं था ये। मैं फिर से इसको लेके आता हूँ एंड यहाँ पर इसको रखता हूँ। गैवाइट, गैवाइट है ठीक है चलेगा। सबसे पहले तो इसका जो गार्चम्ब है इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो गार्चम्ब को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। भाई एक ही बार में ख़त्म हो जा, कितनी बार मैं यूज़ करूँगा, इतना बार मैं यूज़ नहीं कर सकता ठीक है। एंड मेरे मेगा गार्चम्ब की हालत भी ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, ख़त्म हो चुका है टीम। ओके सो पूरा टीम जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड मैं एक आध बैटल और कर तो लेता, लेकिन मुझे अभी जो एक चीज़ करना है वो है मेरे जो डियाल का है ठीक है, सामान में कहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो डियाल का जो अभी स्किल है ना बहुत ही ज़्यादा लो है, तो भाई मुझे सबसे पहले तो इसका स्किल अप करना पड़ेगा। ओके अभी भी दो लेवल अप करना पड़ेगा भाई। ओके हो चुका है ठीक है, तो स्किल अप हो चुका है, अभी थोड़ा सा और कर देते हैं। ओके ये भी हो चुका है एंड इसका फाइनली मूव सेट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो मैं इसको ज़्यादा पावर अप करने वाला था नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको पावर अप करना पड़ेगा भाई, सीपी मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है। थोड़ा सा स्वाइप वगैरह भी कर लेता हूँ, हो चुका है। एंड यहाँ पर एक और चाहिए, तो फाइनली वेलवेव वन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वेलवेव टू पर पहुँच सकते हैं क्या, चेक कर लेता हूँ भाई। SSR पोकेमॉन है ठीक है, तो भाई इसको इवॉल्व करके वैसे भी फ़ायदा ही है, ड्रैगन टाइप के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अगर ड्रैगन टाइप अपोनेंट में आता है तो भाई इसके पास जो ही मूव सेट है भाई ख़तरनाक है ठीक है। मतलब हाँ वो डबल डैमेज करता है बस इसलिए, बाकी मेरे को इसके मूव सेट्स के बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है मेरे को बस इतना ही पता है। एंड इसको थोड़ा सा लेवल अप करना तो भाई बनता ही है, क्योंकि आगे अभी आगे अब और भी ज़्यादा खतरनाक ओपोनेंट आने वाले हैं। कल 30,000 तक आ रहा था ठीक, कल 30,000 तक आ रहा था, आज स्टार्टिंग में भाई 44 के आ रहा है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि आगे कितने खतरनाक बंदे आ सकते हैं। एंड नेचर 3 भी अनलॉक हो जाएगा आगे जाके, वैसे इसका तो नेचर 3 अनलॉक, अभी तो फ़िलहाल इसका नेचर 1 ही है ठीक है, दूसरा नेचर भी अपने पास नहीं है, क्या ही थर्ड क्लास नेचर मिला है ब्रेव 1। एंड कर तो सकते हैं वैसे, मुझे इसका ये भी देना पड़ेगा भाई, अभी तक इसको टैलेंट नहीं दिया है मैंने ठीक है, इसका टैलेंट भी देना ज़रूरी है। फ़िलहाल मैं CP एक बार चेक करता हूँ, 52K और उतना अच्छा नहीं है भाई इतने से CP में कुछ नहीं होगा। एंड इसका तो अभी तक भाई इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपना मेगा गार्चम्ब इतना कमज़ोर कैसे पड़ रहा है ठीक है, कमज़ोर तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इसको अभी तक हमने मतलब वेलवेव 3 पे नहीं लिया है। तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसको वेलवेव 3 तक नहीं होगा शायद, वेलवेव 2 कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम जिम में जाके बैटल करेंगे। ओके गाइस सो यहाँ पर 56K हमारा CP हो चुका है। एंड अभी देखो मेरा टीम यहाँ पर, आई नो मुझे यहाँ पर एक और स्टार अप करना चाहिए, मैं भूल गया था ठीक है, मैंने सारे के सारे नेचर पे ही लगा दिया भाई, क्या करता हूँ मैं, मेरे को अभी और 4 गैवाइट पकड़ना पड़ेगा। एंड मेरे पास इनफ है क्या, ओके बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इतने महंगे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, और अगर कुछ कहीं से कुछ मिल जाता तो भी सही रहता, लेकिन फ़िलहाल के लिए ओके। तो D2 का जो पैक है यहाँ पर से मैं कुछ 10 पोकेबॉल तो ले ही सकता हूँ। एंड D1 के पैक से मैं ये 5 ये बॉल ले लेता हूँ। ओके सो 5 बॉल में हो जाएगा, मेरे को 4 ही पकड़ना है, तो मैं जल्दी से पकड़ के लाता हूँ। सो मुझे जितना कैच करना था मैंने कर लिया है। एंड अभी जो अपना गैवाइट है वो जाने वाला है, ओके 7-star पे जाने वाला है ठीक है, तो भाई जल्दी से जल्दी इसको दे देते हैं सारे के सारे।
ये वाला लॉक है तो मेगा ब्रेप, हाँ भाई दे देंगे मेगा ब्रेप का क्या है, वो फिर से मिल जाएगा, मेगा ब्रेप की कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई, और भी स्टार अप हो सकता है मेरे को जस्ट अभी पता चला, एंड एचपी भाई इंक्रीज़ हो जाएगा ना 19%। ठीक है तो भाई अगर पहले से पता होता ना तो मैं भाई टैलेंट बाद में देता पोकेमॉन्स को, पहले भाई इसका ये कर लेता था। ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, कॉइन्स भी नहीं है अपने पास उतना ज़्यादा, तो भाई कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए। मुझे जाना पड़ेगा जिम में, एंड जिम में जाके मुझे बैटल करना पड़ेगा। मिनट, यहाँ पर कुछ है क्या? ओके, ये देने का ऑप्शन आ रहा था एनर्जी। सो यहाँ पर पॉइंट रैंक तो 23 है, लेकिन पॉइंट रैंक इंपॉर्टेंट नहीं करता, इंपॉर्टेंट करता है फ्लोर जो कि मेरा है 42। ठीक है तो मुझे भाई जल्दी से जल्दी 20वें फ्लोर से नीचे जाना है भाई, वरना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है और ओके, इतना काफ़ी है तो चलो लेट्स गो अटैक करते हैं, एंड देखते हैं भाई अपोनेंट में क्या क्या है। ओके यहाँ पर मुझे इसको ही टारगेट करना पड़ेगा, वैसे तो एक काम करता हूँ ना तो इसको, नहीं यार ये जो पीछे बटरफ्ली है ना भाई बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाला है मुझे, आई नो, मुझे पता है। ओके भाई 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 ऑलमोस्ट खत्म, नहीं भाई वाट लगा दिया, ओह माय गॉड भाई ये देख सकते हो तुमने, इसलिए मैं बोला था कि पीछे वाले को पहले निपटाना है, भले ही इसका एचपी कम हो लेकिन भाई मारता बहुत ज़्यादा है। ठीक है एंड अभी अपने पास दो पोकेमॉन है, एंड नहीं मेरे को उस पर तो यूज़ नहीं करना, ड्रैगन टाइप पर यूज़ करना है, पंच इस पर यूज़ करना है, एंड भाई अपना गैबाइट जो है संभाल लेगा सामने वाले को, ये ख़त्म पीछे से भाई, नहीं 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 कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो रहा है। ठीक है कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो रहा है, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कार्चों को कुछ देर और रहने देते हैं, एंड इसको संभालते हैं। ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके सो फाइनली ख़त्म हो चुका है, इसको बोलते हैं SSR पावर। ठीक है इसको बोलते हैं SSR पावर, तुम लोग भी एक और हो मूव यूज़ कर सकता हूँ मैं भाई, अभी और भी हो मूव यूज़ कर सकता हूँ। ओके गैबाइट आया है भाई, उसके पास भी फुल चार्ज है, मेरे पास भी फुल चार्ज है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड लास्ट वाला मैं इसके ऊपर ही ट्राई कर लूँगा। नेचर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, मेरे जो गार्चॉम्प है उसके पास एक अच्छा नेचर होना चाहिए था। ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो रैंक है वो 31 पे पहुँच चुका है, एंड जो पॉइंट रैंक है वो 14 पे पहुंच चुका है, लेकिन अब वो इनफ नहीं है। ठीक है वो इनफ नहीं है, हमें और भी थोड़ा रैंक अप करना पड़ेगा, एंड मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम इस टीम को ख़त्म कर सकते हैं, 11th नंबर पे जो है क्या हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसका सीपी भाई बहुत ही ज़्यादा है, भले ही उसका लेवल कम हो ठीक है सीपी बहुत ही ज़्यादा है, पता नहीं उसने कैसे सीपी किया होगा। फ़िलहाल तो मैं 20वें नंबर वाले को करने वाला हूँ, वो उसका सीपी कुछ ज़्यादा ही हाई है, एंड वहाँ तक जाना भाई मुश्किल है। ठीक है एंड सिकुन को मारते हैं, दूसरा वाला उस पर, तीसरा वाला सिकुन पे ही करते हैं, अगर सिकुन बचा होगा तो भाई ख़त्म हो जाएगा इसके बाद, एंड फिर मुझे चेंज करना है जैसे कि मैंने सोचा था। नहीं 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 गर्चा बेटा तेरे को इतनी जल्दी नहीं मरना है, ठीक है तेरे को मैंने क्वाइट नेचर भी देखे रखा है, तो भाई इतनी जल्दी मरना मत प्लीज़। ओके यहाँ पर सुकून ख़त्म हो चुका है, एंड अभी मुझे लग रहा है कि कार्चों को पीछे रखूँ या किसको पीछे रखूँ, दो पोकेमॉन में एक साथ चेंज कर नहीं सकता, तो एक काम करते यहाँ पर इसको रखते यहाँ पर इसको रखते, जिसका एच पी कम है उसको ही थोड़ा सा पीछे रख देते, इससे अच्छा ही होगा, एंड ओके तो इसको मारते इससे, फिर ये जो अपना गार्चॉम्प है वो भाई बाद में ओके SSR को टारगेट करते हैं। ठीक है SSR को टारगेट करते हैं पीछे वाले को, आई थिंक सामने वाले को ये ख़त्म कर देगा भाई, वन हिट नहीं हुआ ओके नहीं हुआ, वन हिट पीछे वाला वन हिट हो गया है, एंड अपना भी एक पोकेमॉन वन हिट हो गया है, तो डोंट माइंड कोई बात नहीं, चलता रहता है भाई ये सब चलता रहता है, एंड अभी मैं इसको ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार मैंने कार्चॉम्प तो उधर ही रख दिया, वो माय गॉड, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था मुझे,
कार्चन को मैंने चेंज कर दिया भाई, और सामने क्या पिद्दी पिद्दी रख दिया मैंने पोकेमोन, सामने सारे के सारे पिद्दी पोकेमोन है। तो एक काम करता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ, और इसको रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एक लेजेंडरी मैच होने वाला है, सकर पंच यूज़ करूँ, कर देता हूँ इस पर, एंड ये लास्ट वाला मूव भी इसी पे यूज़ करता हूँ। ओके, पीछे अपना जो गार्डेबॉयर है वो तो ख़त्म है भाई, भाई वो थोड़ा सा नहीं यार, थोड़ा सा भी नहीं बचा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने डिफीट कर दिया है। एंड अब भी हमारा जो फ्लोर है वो 20 है, एंड और मुझे थोड़ा सा लाइन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई। देखो सारे के सारे गधे भर रखे हैं मैंने, ठीक है, पहले इसको रखना है, उसके बाद रखना है इसको, फिर रखना है इसको, एंड उसके बाद मुझे रखना है इसको, अरे यार कहाँ पर गया, ठीक है, इसको रखना है, एंड फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। ये हमारा अभी करेंटली लाइनअप है, एंड इस लाइनअप का जो CP है वो है 57K, और मुझे अभी थोड़े से और बंदों को डिफीट करना है, लेकिन जिसके लिए मुझे अभी 60 या फिर 61K CP बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो क्या करूँ, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए 61K वाले को टारगेट नहीं कर सकता यार, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। एंटी 18 वाले को भाई इसको ट्राई करके देख सकते हैं, हालांकि मेरे को पता है मैं पिटने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं ट्राई करके देखना ज़रूर चाहूँगा। पहले भाई हाँ, पिछले टाइम जो है ये सामने वाले ने बहुत मारा था मेरे को, एंड उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोच रहा हूँ सामने वाले इस पोकेमोन को ही पहले उड़ा दिया जाए। भाई पीछे से हेल्थ, नहीं 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 नहीं, ख़त्म 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 ख़त्म। डियाल्गा लेके आता हूँ, और इसको लेके आता हूँ भाई डियाल्गा। तो पहले टारगेट किसको करेगा, तू ख़त्म हो जा भाई, क्योंकि ये जो फाइटिंग टाइप पोकेमोन से ना ये ख़तरनाक हो सकता है ये पालकिया के लिए, पालकिया डियाल्गा जो भी है भाई, ख़त्म। अभी भी थोड़ा सा बचा है यार, अभी भी थोड़ा सा बचा है, इसको तो ख़त्म कर ही देंगे। एंड अभी मैं करूँगा पोकेमोन चेंज, तो चलो ड्रैगन टाइप के लिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि ड्रैगन टाइप के खिलाफ बहुत ही ख़तरनाक है ये पालकिया डियाल्गा जो भी है, क्या नाम क्या है यार इसका, नाम क्या है मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। लाइनअप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंड मैं अपने गार्चम्प मतलब जो मेगा गार्चम्प है उसको लेके आता हूँ, और भाई आई थिंक इस वाले में तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए, हो जाएगा, ओके आराम से हो जाएगा, कितना भी हेल्थ रिकवर कर ले भाई कुछ नहीं होने वाला। एंड अभी हमारा जो रैंक है वो है 18 रैंक हो चुका है हमारा, एंड हमारा जो पॉइंट रैंक है वो है 16, एंड अपना जो CP है भाई अपने को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 62 CP थोड़ा सा इंक्रीज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है, इतने कम CP में नहीं होगा अभी भी। हालांकि हम लोग टक्कर तो दे पा रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है कल जब मैं फिर से ड्यूटी पे जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मेरा जो फ्लोर है वो इंक्रीज होकर 50 हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता भाई, 100 रेनबो डायमंड मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ठीक है, मेरे को चाहिए 100 रेनबो डायमंड, एंड मेरे को नहीं मिलता यार जिम से, कितना तुम लोगों को पता होगा कितनी गरीबी वाले दिन चलते हैं मेरे। और यहाँ पर कुछ है क्या, ओके सो या गाइस यही था आज का वीडियो, आज हमने अच्छा खासा रैंक अप तो कर लिया, अब तुमको भी पता है मेरे को भी पता है भाई रेगुलर में खेल नहीं पाता, ठीक है, जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम होता है, अब ड्यूटी में भी जाना पड़ता है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ मैं, तो तुम लोग बताओ अगर तुमको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए हुए। एंड समन पे ओके ये टी हो चुका है, तो बहुत ही जल्द हमारे टीम में रायकवाज आने वाला है, तो मैं तो भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मेरा टारगेट रहेगा भाई डेंजन कम्प्लीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा अभी, और एक चीज़ जो करना है इसका नेचर 3 अनलॉक करना है मेरे को वैसे तो, तो अभी देखते फिलहाल मैं डेंजन क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ अभी के लिए। एंड उसके बाद इसका जो लेवल है वो भी 5 करना है, ये अटैक वाला लेवल 5 करना है, और फिर मैंने अभी तक पालकिया को नेचर दिया नहीं है, बस इसको मतलब टैलेंट दिया नहीं है, बस इतना ही दे के रखा है, इसका भी 5 करना है, ठीक है, दिया नहीं है क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो डियाल्गा ओके डियाल्गा, एंड एक और चीज़ जो मेरे को करना है वो करना है फिलहाल के लिए और कुछ नहीं करना, बस मेरे को अभी डेंजन क्लियर करते रहना है, आज रात में बस वही करूँगा डेंजन क्लियर करता रहूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी भाई
60K तक जाना है, ठीक है 60K, वरना मैं कल कंपटीशन में नहीं रह पाऊँगा। तुम लोग देख सकते हो कितना हार्ड कंपटीशन चल रहा है। एक तो मेरे पास कॉइन नहीं है, जितने भी डायमंड थे सारे के सारे स्पेंड हो रहे हैं, और भाई कोई रिडीम कोड भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा रिडीम कोड दे दो भाई, मेरे को एनर्जी की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिविटीज़ में भी कुछ नहीं है। सो या गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप कि तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फिर मिलता हूँ मैं तुमको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।